नमस्कार दोस्तों, अनप्रिनर से चैनल पर मैं एकता आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ तिल से कलाकंद, जो खाने में टेस्टी है और इसे हम घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो फ्रेंड, इस बर्फी को आप घर में बनाकर अपने फ्रेंड्स में गिफ्ट भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान विधि से ये बनकर तैयार होती है। चलिए तो फिर हम बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए गैस पर हम एक पैन रखेंगे। पैन के अंदर डालेंगे हम 1 कप तिल। मैंने सफ़ेद वाले तिल लिए हैं और तिलों को हम भून लेंगे तब तक जब तक कि तिल का जो है कच्चापन नहीं निकल जाता। जब फ्रेंड तिल भुनेंगे तो ये थोड़े से फूलने लगेंगे, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि तिल जो है हमारे भुन गए हैं। बस एकदम लो फ्लेम पे आपको भूनना है, बहुत ही जल्दी तिल जो है भूनकर तैयार हो जाते। फ्रेंड तिल हमारे भुन गए हैं, गैस को बंद कर देंगे, इसे इसी तरह चलाते रहेंगे। अगर आप नहीं चलाएंगे तो पैन गर्म है तो तिल हमारे जल जाएंगे, बस इसी तरह ठंडा कर लेंगे। अब मैंने 150 ग्राम पनीर लिया है और इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। मैं बारीक वाले हिस्से से कद्दूकस कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड, पनीर जो है हमारा कद्दूकस हो गया है, अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब मैंने एक मिक्सी का जार लिया है, तिल हमारे बहुत ही अच्छे से ठंडे हो गए हैं और अब हम इसे मिक्सी जार में डाल देंगे। ध्यान रहे फ्रेंड, हमें तिलों को एकदम ठंडा करके ही पीसना है, इसका पाउडर सा बनाना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है, नहीं तो तिल का टेस्ट नहीं आएगा। और मिक्सी को आपको रोक रोक कर चलाना है। अगर आप गर्म तिल पीस देंगे तो उसमें से तेल निकल आएगा। देखिए इस तरह सा दरदरा सा हमें पाउडर चाहिए, एकदम फाइन पाउडर हमें नहीं बनाना है। और अब हम एक पैन लेंगे, पैन के अंदर डालेंगे 1 कप मिल्क पाउडर और साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे 1 कप से थोड़ा सा कम दूध और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। आधी चम्मच देसी घी डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए फ्रेंड। देखिए अब हम इसके अंदर डाल देंगे हमारा पनीर कद्दूकस किया हुआ। ये मिठाई फ्रेंड आप एक बार बना लेंगे ना तो बार बार बनाकर खाएंगे, इतनी टेस्टी ये मिठाई बनती है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। इसे आप घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, अपने फ्रेंड को या रिश्तेदारों को आप फ्रेंड गिफ्ट भी कर सकते हैं। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तिल सर्दियों में ज़रूर खाने चाहिए क्योंकि तिल से हमें सर्दी नहीं लगती है और बहुत ही गुण होते हैं तिल के अंदर फ्रेंड, तो सर्दियों में ही तिल खाया जाता है। अब हम गैस ऑन कर देंगे और पैन को हम गैस पर रख देंगे, उसे कंटिन्यू चलाते हुए पकाएंगे। पर ध्यान रहे आपको एकदम लो फ्लेम पे पकाना है, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, नहीं तो ये जलने लगेगा। तो ध्यान रहे फ्रेंड, एकदम लो फ्लेम पे आप इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि एकदम डो की फॉर्म में नहीं आ जाता। बस कंटिन्यू चलाते रहें और इसे पकाते रहें। आप देख सकते हैं पहले से थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, ये धीरे धीरे एकदम डो की फॉर्म में आ जाएगा फ्रेंड। ये देखिए और गाढ़ा हो गया है, अब ये और गाढ़ा हो गया, आप देख सकते हैं पैन भी छोड़ने लगा है। बस इसी तरह कंटिन्यू चलाते रहें और धीरे धीरे इसे गाढ़ा करते रहें। देखिए काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे शुगर। मैंने 6 से 7 चम्मच शुगर लिए, मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड आप देखेंगे कि ये वापस से लिक्विड सा हो गया है, कोई डरने की बात नहीं है फ्रेंड, ये थोड़ी ही देर में वापस से डो की फॉर्म में आ जाएगा। जैसे जैसे हम पकाएंगे वैसे वैसे ये डो की फॉर्म में आ जाएगा। आप देख सकते हैं थोड़ा सा लिक्विड सा हो गया है और ये इसी तरह पकाते रहेंगे तो आप देखेंगे कि ये डो की फॉर्म में आ गया है। बस इसी तरह कंटिन्यू चलाते रहें, लो फ्लेम पे ही आपको पकाना है, हाई फ्लेम पे इसे नहीं पकाना है। देखिए फ्रेंड एकदम डो की फॉर्म में आ गया है। फ्रेंड मैंने इसके अंदर आधी चम्मच इलायची का पाउडर भी डाला था पर शायद मैं कैमरा ऑन करना भूल गई। आप फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर डाल सकते हैं, बिना इलायची पाउडर भी आप इसे बना सकते हैं। देखिए डो हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये पैन छोड़ रहा है।
बस हमें इसे इतना ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, गैस को बंद कर देंगे। और अब मैंने एक केक टिन लिया है, आप कोई भी टिफ़िन ले सकते हैं या कोई भी डोंगा ले सकते हैं जिसमें आपको बर्फ़ी जिमानी हो। अब हम इसे घी से ग्रीस कर देंगे। मैंने बटर पेपर लगाया, बटर पेपर लगाने से बहुत ही आसानी से ये बाहर निकल आएगी, देखिए इस तरह से। आप के पास बटर पेपर नहीं है तो आप फॉल पेपर भी लगा सकते हैं, बच्चों की कॉपी का पेपर भी लगा सकते हैं, उसे भी अच्छे से ग्रीस करके आप बटर पेपर की तरह यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से इसे ग्रीस कर दिया है। अब बर्फ़ी वाला डो जो है हम केक टिन के अंदर डाल देंगे। आप देख रहे हैं कितना सुंदर हमारी बर्फ़ी दिख रही है फ्रेंड, ये बहुत ही अच्छी बनेगी, आप विश्वास रखें, आप एक बार ज़रूर बनाकर देखें फ्रेंड। बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा ये कितनी अच्छी बनती है, कितनी टेस्टी बनती है। घर में आप तिल की बर्फ़ी या कलाकंद आप बना सकते हैं, आप इसे बर्फ़ी भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें बर्फ़ी जैसा ही टेस्ट आता है। देखिए तिल कलाकंद आप इस तरह से ज़रूर बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनता है। मैंने चम्मच के नीचे थोड़ा सा घी लगा लिया था जिससे ये अच्छे से सेट हो गया, देखिए कितने अच्छे से सेट हो गया है। और अब हम इसे 20 से 25 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। फ्रिज में रखने से फ्रेंड ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा। फ्रिज में अगर आप नहीं रख रहे हैं तो एक घंटे के लिए बाहर छोड़ दें। मैंने 15 मिनट के लिए इसे फ्रिज में रखा था और अब हम इसे टैप करते हुए निकाल लेंगे। बहुत ही आसानी से निकल जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। देखिए बटर पेपर हम हटा देंगे। और अब हम इसके ऊपर पिस्ता लगा देंगे। पिस्ता लगाने से ये दिखने में सुंदर लगेगा और खाने में तो ये टेस्टी बना ही है फ्रेंड। बनाएंगे खाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये तिल कलाकंद कितना टेस्टी बनता है। देखिए बहुत ही सुंदर दिख रहा है, मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ कितना सुंदर बना है। तो फ्रेंड ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब हम इसे कट कर लेंगे। कट आप अपनी मनपसंद के पीसेस में कर सकते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट बना है, कितना आसान है इसे बनाना। आप घर में कलाकंद बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, वो भी तिल से। तिल को फ्रेंड हमें किसी ना किसी बहाने खाना चाहिए। आप लड्डू के रूप में खा सकते हैं, अलग अलग टेस्ट में आप इसे खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। और अब हम इसे डेकोरेट करने के लिए मैंने रेड फ्रूट कलर लिया है, आप केसर भी ले सकते हैं, उससे इस तरह से डॉट्स बना देंगे जिससे ये दिखने में सुंदर लगेगा। देखिए इस तरह से बहुत ही सुंदर दिख रहा है फ्रेंड। आप इस तरह से इस कलाकंद को गिफ्ट भी करेंगे ना तो कोई मान ही नहीं पाएगा कि ये कलाकंद आपने घर में बनाया है, वो विश्वास ही नहीं कर पाएंगे और कहेंगे कि आपने बाजार से खरीदा है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये, जितना सुंदर दिखने में है उतना ही अच्छा खाने में भी है। आप ट्राई करें फिर मुझे ज़रूर बताएं कि आपका यह टेस्टी कलाकंद किसा बना। देखिए मैं आपको उठा के भी दिखाती हूँ, देखिए कितनी आसानी से ये पीस उठ गया है, बिल्कुल भी चिपका नहीं है। बहुत ही आसान विधि से मैंने इसे बनाया फ्रेंड, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपका यह तिल कलाकंद कैसा बना। आप इसे तिल बर्फी भी कह सकते हैं फ्रेंड। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अन्नपूर्णा रसोई चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी ज़रूर दबाएं मेरे आने वाली वीडियो को देखने के लिए। मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को भी ज़रूर फॉलो करें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।